दोस्तों मैं हूँ कल्पेश और बिजनेस माइंड पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप एक बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढ सकते हैं। वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात, आइडियाज ढूंढने के लिए आपको एक जगह बैठकर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आइडियाज तो आपके आसपास होती है, आपको बस आपके आसपास ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो स्किल आपने सीखी है या फिर आपकी कोई पैशन है, जैसे आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है या फिर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है, मतलब आपकी स्किल या पैशन में आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल और पैशन हो सकती है, उसके हिसाब से वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको पैशन के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो हमने पहले तरीके में देखा कि आप अपनी स्किल या पैशन में बिजनेस कर सकते हो। दूसरे तरीके में आता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। दोस्तों अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी बिजनेस को करने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता था, और साथ ही बिजनेस को खड़ा करने से लेकर एस्टैब्लिश करने में पूरी लाइफ तक निकल जाती थी। लेकिन आज ऑनलाइन इंटरनेट का जमाना है, यहाँ आप बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुँचा सकते हो और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दोस्तों मैंने ये ऑनलाइन वाली बात इसीलिए बताई क्योंकि मैं आपको आगे कोई आइडियाज नहीं देने वाला, मैं आपको आइडियाज कैसे ढूंढते हैं वो बताने वाला हूँ। अगर ये ऑनलाइन वाली बात आपके दिमाग में रहेगी तो आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हो। तो हमारा दूसरा तरीका था किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। जब भी आपको कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के अंदर ही बिजनेस आइडिया छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फणीन्द्र सामा बैंगलोर में काम करते थे, उन्हें दिवाली मनाने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्हें बस की कोई टिकट नहीं मिल सकी और वो अपने घर नहीं जा सके। तब उन्होंने सोचा कि काश रेल और फ्लाइट की तरह अगर बस की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जाती तो कितना अच्छा होता, और यही से रेड बस की शुरुआत हुई। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन उस वक्त हमारा माइंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में लगा होता है, उस वक्त हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है तो हम उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। दोस्तों हमारा माइंड चीजों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकता है, इसीलिए मैं एडवाइस दूंगा कि अपने साथ एक डायरी जरूर रखे और जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखे वो उस डायरी में लिखते जाए, और आप बाद में आराम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच सकते हो। अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स रहेगा तो आपको अचानक से सोल्यूशन भी मिल सकता है, क्योंकि आइडियाज हमें अचानक से आती है, ये आपने नोटिस जरूर किया होगा। दोस्तों जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम्स हमेशा हमारी रहे, जैसे लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उनकी एग्जाम नहीं हो पाई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर निकालेगा। आप भी सोचो कि लॉकडाउन में लोगों को क्या प्रॉब्लम आई थी और आप कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो। दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं कि आइडियाज हमेशा नई होने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी एस्टैब्लिश बिजनेस की कुछ कमियां पूरी करके भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन मुझे उनमें कुछ कमियां लगी और मैंने चैनल शुरू करने का डिसीजन लिया। जैसे गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल को कुछ कमियां लगी जो उसने पूरी की और आज गूगल टॉप पर है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। दोस्तों इस बात पर हमें एक सीख मिलती है कि हमें सिर्फ बिजनेस करना ही नहीं है, समय के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है, क्योंकि हमारी छोटी सी कमी किसी और के लिए बड़ा बिजनेस बन सकती है। दोस्तों हमने बात की पहले तरीके में, जो था कि आप अपनी पैशन या स्किल में अपना बिजनेस कर सकते हैं, और सेकंड था किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर बिजनेस कर सकते हैं, और उसी में मैंने ऐड किया कि किसी एस्टैब्लिश बिजनेस की कुछ कमियां निकाल कर आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखो कि हमेशा अपने साथ डायरी रखो, आइडियाज हमारे चारों तरफ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें बेकार के आइडियाज भी मिल सकती है, लेकिन अगर आपने लिखने की आदत डाली तो आपको 50 आइडियाज में से एक आइडिया तो अच्छी मिल ही जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और सबसे जरूरी बात बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।